corruption, infrastructure, health, gender, environment, development, conflict, caste, art and culture, education, corruption, development, health, infrastructure, conflict, environment, gender, development, corruption. यमुना नदी का ये इलाका आज सरकारी दमन का शिकार है। माफिया के गुंडों से जब इन लोगों ने अपनी रक्षा की तो इनके ऊपर पुलिस वालों से हमला कर इनके ऊपर फर्जी केस ला दिए गए ताकि आंदोलन का रुख बदल जाए और इनका मुद्दा भटक जाए। इस आंदोलन के अगवाकारों को गुंडा एक्ट में बंद कर दिया गया। आज ये लोग पुलिस वालों के डर से दर दर भटक रहे हैं। गैंगस्टर हम लोग के ऊपर इसलिए लगाते हैं कि जो हम नदी जमुना नदी के अंदर मशीन को रोकते हैं और सूखी बालू को रोकते हैं, हमारा ये लीलाम नदी को लीलाम ले लेते हैं, गुंडा टैक्स वसूलते हैं, इस सवाल पे हम रोका है और इस सवाल पे जनता लड़ती है तो इसमें हमको मजदूरों को गैंगस्टर लगाया जाता है। तो कैसे इस लड़ाई को लड़ेंगे आप? हम तो सोचते हैं कि ये जो बालू खनन चल रहा है इसको जो है तो रवन्ना बेरियल पर दें और लीलामी को जमुना नदी को मुक्त करें, तभी जनता रुकेगी नहीं, जनता अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ती रहेगी। तो अभी आप कैसे बच रहे हैं गैंगस्टर से? हम बच रहे हैं, कम से कम हमको हो गया जब से गैंगस्टर लगा है, हम लोग गांव छोड़ करके जंगल में ऐसे घूमते हैं और गांव भी नहीं जाते हैं और ऐसे टहलते रहते हैं। से पुलिस आप ही को क्यों परेशान कर रही है? आप कुछ लोगों को कहा थे जो जो लाल सलाम में बस इन्हीं का पकड़ा धरत हैं, नहीं जो लाल सलाम छोड़ दो ये नक्सलवादी तो का ये सब दुनियादारी बताओ थे। अरे लाल सलाम में है तभी तो गैंगस्टर लग गया है। हाँ चाहे जितना गैंगस्टर लगावे लाल सलाम मन ही ना छोड़ी। तब फिर घर में बच्चे बीवी सब? वो सब भूखों मर रहे हैं। तो क्या घर में बच्चे और सब भूखन मर रहे? गांव केवटपुरवा नंदा का पूरा और मल्हेपुर गांव खाली होकर के भाग गया, डेढ़ महीना हो गया गांव छोड़े हैं सब लोग। पूरे लोगों ने गांव छोड़ दिया? हाँ हाँ। क्यों छोड़ा गांव? ये प्रशासन दमन कर रही है, पीएससी वाले दमन करें, इसलिए जो फर्जी केस लड़ रहे हैं और उनके ऊपर ऐसे फर्जी केस है कि गाँव में 50-50 लोगों को मुकदमा कायम किए हैं, इसलिए जनता भाग रही है। माफिया के गुंडों से इन्होंने अपनी रक्षा क्या की, इनके ऊपर आफत आ गई। गांव में हो रही जनसभाओं को इन्होंने गैरकानूनी बता दिया ताकि ये लड़ाई सरकार के विरुद्ध हो जाए और इनका मुद्दा भटक जाए। प्रशासन का आरोप है इन मजदूरों ने शांति भंग की है, सरकारी काम में बाधा डाला है। ये माफिया के गुंडे इनका घर तोड़ेंगे और लूटेंगे तो ये मजदूर अपनी जान माल की रक्षा निश्चित रूप से करेंगे। ये ना तो गैरकानूनी है नहीं अपराध। मैं अजीत बहादुर, इंडियन हट के लिए इलाहाबाद।